नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य सरकार ने 800 रुपए में RT-PCR टेस्ट कराने की घोषणा की है? ए बिहार सरकार, बी झारखंड सरकार, सी उड़ीसा सरकार या डी राजस्थान सरकार। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी प्रमंडलीय और नगर आयुक्त को सौंपा। भागलपुर, आखिर जिस बात की आशंका थी उस पर अमली जमा पहनाने को लेकर भागलपुर नगर निगम में उठा पटक शुरू हो गया है। मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी को हिलाने के लिए कई पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी और नगर आयुक्त प्रियदर्शनी को सौंप दिया है। पिछले दिनों डिप्टी मेयर LGP से विधानसभा चुनाव लड़े थे और BJP के सांसद निशिकांत दुबे से उलझे थे। दूसरी तरफ मेयर के पति भी RJD से टिकट के फेर में रहे। नतीजा 51 पार्षद वाले नगर निगम भागलपुर के कई पार्षद द्वारा इस पर हस्तक्षेप किया गया, वहीं कई पार्षद गोलबंद हो गए हैं। फिर से मेयर और डिप्टी मेयर का मनोनयन के जुगाड़ में है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उस वक्त नेपाल में कई पार्षदों का रंग रैलियां मनाते हुए वीडियो वायरल हो गया था। बहरहाल नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने बताया कि उन्हें 28 पार्षदों ने लिखित तौर पर अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी सौंपी है। विधान क्या कहता है उस पर विमर्श कर उचित निर्णय लिया जाए। अब जो फोटो आया था बढ़िया है, हो गया साढ़े तीन साल हो गया, वार्ड में एक भी विकास नहीं दिखता है, जबकि भागलपुर स्मार्ट सिटी है। उसके बाद भी भागलपुर के लोग ग्रसित हैं, त्रसित हैं और लोग परेशान है। वार्ड पार्षद के घर पर वार्ड का जनता आता है और कहता है कि वार्ड में पानी में बदबू आ रहा है, पूरा शहर गंदा से भरा हुआ है, डस्टबिन खराब है। और जहां तक बात है भागलपुर की जनता ने हम लोगों को चुनाव जिताकर भेजा है वार्ड की विकास और वार्ड को साफ सफाई के मुद्दे पर। हम लोग यह नगर आयुक्त और मेयर डिप्टी मेयर इस काम में सफल नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि इनको हटाना है और नए सिरे से फिर सरकार बनाना है और भागलपुर शहर के विकास के लिए। उमर जी कितने पार्षद हैं? 40 से 45। यहाँ पे सारे पार्षद हम लोग के पास आया है नगर निगम ऑफिस में और अविश्वास प्रस्ताव के लिए हमको आवेदन दिया है। तो इस पर हम लोग को रूल्स क्या है वो देख करके और डेट वगैरह को दे देना चाहिए। UDHD डिपार्टमेंट से भी हम लोग को कंसल्ट करेंगे, यानी मेरे टेन्योर में ही ये सेकेंड टाइम अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो इसका रूल्स वगैरह हम लोग को देख करके हम लोग एक्ट अपॉन करेंगे। कितने पार्षदों का साइन है? 28 पार्षद का साइन है इसमें और सारे 28 पार्षद इधर आया था और साइन करके हमको दिया था, उनको रिसीविंग भी हम लोग दे दिया। भागलपुर जिले में सघन मास्क जांच अभियान जारी, बिना मास्क के युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। समाधान, वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, वही कोरोना संक्रमण पर काबू और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DJ फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। के लिए किए गए उपाय में कारगर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, बकायदा जिले में सघन मास्क अभियान चलाया जा रहा है, बावजूद इसमें लोग सुधारने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में एक और जहां जिला प्रशासन ने मास्क को अनिवार्य कर संक्रमण को काबू करने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा दी है, वहीं मास्क न पहनने वाले कुछ लोग संक्रमण को आमंत्रण देने के लिए उतावला है। इसी कड़ी में भागलपुर जिले के घंटाघर चौक के समीप सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जांच टीम में शामिल पुलिस कर्मियों ने बिना मास्क के कई लोगों से जुर्माना वसूल कर उन्हें आगे से मास्क पहनने की हिदायत दी। वहीं उल्टे चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर बिना मास्क के ई रिक्शा से सवारी कर रही एक युवती को
पुलिस वालों ने रोककर उनसे कोविड 19 एक्ट के तहत जुर्माना देने के लिए कहा। इतना सुनते ही युवती आग बबूला हो गई। उन्होंने मौके पर पुलिस कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और लगे हाथ पूरे घटनाक्रम का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी पर जमकर भड़ास निकाली। युवती ने मीडिया कर्मी को बिना मास्क के फोटो डिलीट करने की धमकी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर वह मीडिया कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करवाएगी। वही आखिरकार पुलिस के सख्ती के आगे युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा समाप्त हुआ और पुलिस वालों ने युवती से जुर्माने की राशि लेकर उसे छोड़ दिया। नवछिया एडीएम ने किया रंगरा अंचल कार्यालय का निरीक्षण। भागलपुर के एडीएम राजेश धाराजा ने बुधवार को रंगरा अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया और अंचल कर्मियों के साथ बैठक कर काम काज की समीक्षा की। एडीएम ने अंचलाधिकारी समेत सभी कर्मियों को बाढ़ व कोरोना के कारण प्रभावित हुए लगान वसूली कार्य में तेजी लाने और भूमि विवाद के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है। अंचल कार्यालय में लंबित दाखिल खारिज के मामले का भी जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया है। एडीएम ने सभी कार्यों को ऑनलाइन अपडेट करने का भी निर्देश दिया है। मौके पर अंचल अधिकारी आशीष कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया संजू हत्याकांड। रोमन से पैसे लेने की बात कह घर से निकली थी संजू उर्फ सुनीता देवी। नवगछिया के विसाई टोला निवासी सुनीता देवी उर्फ संजू देवी की हत्या की गुत्थी परत दर परत खुलती जा रही है, तो दूसरी तरफ घटना जग जाहिर होने के दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। परिजन आक्रोशित हैं तो लोग विधि व्यवस्था के नाम पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जल्द ही मामले का पटाक्षेप करने का दावा किया है। बात सामने आ रही है कि रविवार को संजू देवी अपने घर से यह कहकर बाहर निकली थी कि वह नवगछिया स्टेशन रोड स्थित रोमन के यहाँ जा रहा है और उससे पैसे लेने हैं। दूसरी तरफ इस हत्याकांड में विसाई टोला के पिंटू पासवान का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। परिजनों की माने तो सिंटू का 1.5 वर्ष से महिला के साथ संबंध था। यह किस प्रकार का संबंध था इस पर कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन मृतका के देवर रामकृष्ण पासवान ने स्पष्ट कहा है कि सिंटू के साथ उनकी भाभी का नाजायज संबंध था। वह बार बार संजू देवी को फोन भी किया करता था। परिजनों ने यह भी बताया है कि छठ के दिन जब संजू के पति कहीं बाहर गए थे तो उसके साथ सिंटू पासवान ने मारपीट भी किया था। संजू देवी के सभी बच्चों ने बताया कि मारपीट किस बात पर हुई थी इसकी जानकारी तो उन्हें नहीं है, लेकिन सिंटू ने उसकी मां की पिटाई कर दी थी। मामले में रोमन का कनेक्शन किस तरह से जूझ रहा है, पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। यह भी बात सामने आ रही है कि पिंटू रोमन और संजू के बीच क्या चल रहा था, इस बात से उसका पति अनभिज्ञ था। छठ के बाद शनिवार को संजू का पति बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया था। इसके बाद ही संजू देवी रविवार को रोमन से पैसे लेने गई थी। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद संजू देवी के पति को सूचना दे दी गई है और वह नवगछिया के लिए रवाना भी हो गया है। संजू देवी के सभी बच्चे डरेसा में हैं। रविवार से ही घर में चूल्हा नहीं जला है, बच्चों को आसपास के लोग ही खाना दे जाते हैं। बच्चों को आरोपियों से डर है कि कहीं वे उन लोगों को नुकसान न पहुंचा दें। परिजन ने संजू के पति के आने तक पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। वहीं पूछे जाने पर नवगछिया थानाध्यक्ष अमर विश्वास ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है, जल्द ही हत्या में संलिप्त सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। वो तो सुबह 7:30 बजे जो है घर से निकले, घर में तो किसी को बतलाया नहीं। हमारी मंझली भाभी को बतलाया कि हम जा रहे हैं उनके पास जो है रोमन के पास पैसा लेने के लिए, बस पैसा लेकर के हम घर वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग को कोई पता नहीं चला। जब 48 घंटे के बाद जो है पेपर के माध्यम से हमने जब देखा, पेपर के माध्यम से पता चलने के बाद जो है हम गए थाने। थाने में जा करके जो है पता चला कि यहाँ पे डेड बॉडी है, और डेड बॉडी देखने के बाद हमने अपना स्वीकृत किया कि ये हमारी ही फैमिली की आदमी है, हमारी भाभी है। गले में तो फंदा रहा है, इस तरह साड़ी बना हुआ था। हाँ, साड़ी बंधा हुआ था उनके, तो उनको काफी मार पहले लगा हुआ था, जो कि मुंह उसका शकल पहचानने लायक नहीं था। लेकिन उसके दाएं हाथ पे गोदना का जो निशान था उसका नाम लिखा हुआ था संजो कुमारी, और हमारी भाभी का नाम संजो कुमारी है। लेकिन उसका वो पहले घर हमारे मैके यहाँ ससुराल में आने के बाद उनका सुनीता देवी नाम है, तो सुनीता देवी उर्फ संजो कुमारी नाम है उनका। उनका पति बेंगलोर में रहता है। वह जो है एक दिन पहले जो है वो ट्रेन पकड़ करके बेंगलोर के लिए गए थे कमाने के लिए, मजदूरी करते हैं। ये पति जाने के बाद ये घर से निकली थी? हाँ, पति जाने के एक दिन बाद निकली थी। अच्छा,
तो आप लोग एक दिन तक घर में नहीं आए, आप लोग कुछ पता नहीं किए? हम लोग फोन के माध्यम से पता किए, लेकिन हम लोग को जब नहीं इधर उधर हुआ तो हम लोग बोले क्या 24-48 घंटे के बाद जो है जा करके हम रिपोर्ट लिखाएंगे। जब हम नहा धो करके निकले कि आज अभी तक नहीं आया, तो अब हम जाते हैं थाने जा करके रिपोर्ट लिखाएंगे। तभी जा करके हमको जो है पेपर कोई लड़का ला करके दिया, हमारा चचेरा भाई जो है एक ठो पेपर ला करके दिया, और पेपर में देखने के बाद पता चला कि नहीं ये हमारी भाभी है। हत्या कौन कर सकता है? कि कोई विवाद किसी से पहले भी किसी से झगड़ा हो रहा था? हाँ, पहले किसी से झगड़ा उसका जो है करीब छठ के 10 दिन पहले से ही उनका लड़ाई झगड़ा सिंटू से चल रहा था। किस लिए, कौन कारण? दोनों का जो है कुछ संबंध, नजायज तलाक का संबंध था। सिंटू कौन है? सिंटू हमारे घर के सामने का लड़का है, देवेंद्र पासवान का लड़का है। अच्छा, कब से ये बात चल रहा है, कुछ पता है? ये काफी कम साल, 1.5 साल से चल रहा है। अच्छा। घर पे भी उनको जो है अरे बेटा बताओ, हमें पूरी तरह से संतुष्टि पुलिस से नहीं मिली है। हाँ, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और जल्द से जल्द अपराधी हमारा गिरफ्तार हुए और बच्चों को कुछ मुआवजा दिया जाए सरकार से। आज आज क्या हुआ, आज पुलिस के पास गए थे, क्या से बोला गया? प्रशासन जो है वो खुद यहाँ पे आए थे। ठीक। वो आए तो बोला, आश्वासन हमें दिए कि जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे अपराधी को। आप निश्चिंत रहिए, आप जो रात में किए उस तरह का काम आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आपको जो है दिक्कत होगा, हो सकता था आपके ऊपर ही केस हो सकता था जी। प्रशासन ने यह बात हमको आईओ ने बोला गया। कौन था आईओ? नाम उसका हम। और क्या बोला केस के बारे में, क्या सब बताया? एफआईआर हुआ किस तरह से? एफआईआर हुआ है। किसके बयान पे एफआईआर हुआ? एफआईआर हुआ है बच्चों के बयान पे। नाम बताइए तो। बच्चों की नंदनी कुमारी, लीलम कुमारी और नैना कुमारी, शिवम कुमार के बयान पे हुआ है। सब एक साथ बयान पे हुआ है? जी हाँ। अच्छा, आप कौन हुए? हम उनके देवर हुए, वो हमारी बड़ी भाभी थी। नाम बता दीजिए। हमारा नाम रामकृष्ण पासवान है। आप और कोई आज आया हुआ था यहाँ पे? पेपर वाले आए हुए थे, पेपर वाले नहीं थे, वो थे जा करके एक थोड़े राजेंद्र यादव थे नेताजी, उसके बाद लाल सलाम के कुछ 2-3 नेता वही आए हुए थे। क्या सब वो बोले, क्या सब बताए? वह सब बताए कि आप लोग, आप सब जो है हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं, हम जो है सरकार को, पुलिस को सोने नहीं देंगे, पुलिस को जो है हम लोग जागरूक रखेंगे और उनसे काम करवाते रहेंगे। नवगछिया बोले युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता। नौगछिया पुलिस जिला में चुनाव बाद अपराधी घटनाएं चरम पर। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने नौगछिया के राजेंद्र कॉलोनी के विसाई टोला निवासी किशोर पासवान की पत्नी सुनीता देवी की अपराधियों द्वारा हत्या किए जाने और नारायणपुर के मथुरापुर बाजार में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधी द्वारा सोनू ज्वेलर्स के संचालक अनंत पोद्दार से मारपीट कर 4 लाख रंगदारी मांगे जाने की घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि चुनाव के बाद नौगछिया में हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण और रंगदारी की घटनाएं चरम पर हैं, दिन दहाड़े अपराधी अपराध कर रहे हैं। वहीं श्री यादव ने कहा कि नौगछिया पुलिस जिला में लगातार हो रहे अपराधी घटनाओं ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपराधी में शासन और प्रशासन का भय समाप्त हो चुका है, इसलिए अपराधी बेखौफ होकर खुलेआम अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजद नेता राजेंद्र यादव ने बुधवार को मृतका संजू देवी के परिजन और बच्चों से मुलाकात कर ढांढस बढ़ाया है। राजेंद्र यादव ने कहा कि नौगछिया में एक के बाद हो रहे आपराधिक वारदात चिंता का विषय है। उन्होंने पुलिस से हत्यारों को गिरफ्तार करने और परिजन को मुआवजा देने की मांग सरकार और प्रशासन से की है। वहीं श्री यादव ने कहा कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। नवगछिया आंगनवाड़ी सेविकाओं ने ओटीपी प्रणाली से पोषाहार वितरण का किया बहिष्कार। रंगरा प्रखंड की आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बाल विकास पदाधिकारी रंगरा चौक का घेराव कर पोषाहार की राशि को ओटीपी प्रणाली से बांटने से बहिष्कार कर दिया है। सेविकाओं ने बताया कि सरकार द्वारा उन लोगों को जो 3G मोबाइल उपलब्ध कराया गया है यह बहुत पुराना हो गया है, अब उस स्थिति में नहीं है इससे लाभार्थी को ओटीपी भेजा जा सके। वहीं ओटीपी प्रणाली से वितरण का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि यह हमारे लाभार्थी उतने सक्षम नहीं है कि वो ठीक से फोन चला लें,
उनमें मोबाइल साक्षरता की कमी है। परिवार के मुखिया घर से बाहर ही रहते हैं, मोबाइल भी उन्हीं के पास रहता है। ज्यादातर लोगों के पास एक ही मोबाइल रहता है जो उनके मुखिया के पास होता है। मौके पर सेविका संघ की अध्यक्ष पार्वती कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, सरस्वती कुमारी, ज्योति, संगीता, सोनम, चांदनी, आभा, रंजू, शीला, रंजना, हर्षदा, सविता, रीना सहित कई अन्य मौजूद थे। इन लोगों का कहना है कि वर्क नहीं कर रहा है। अरे ये लोग तो ऐसे ही बोलेगी ना, तो यही मोबाइल ना सब परियोजना में है, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ दूसरा है। नहीं, उसका जैसे बताया जा रहा है कि उसका रैम कम है, उसका डाटा स्टोरेज कम है, जिसके कारण नहीं हुआ है। देखिए नहीं हुआ है तो लोग बताएंगे जा रहा है ना, ठीक है, 8 गो की 10 गो की सौंप दीजिए, तब ना हम समस्या रखेंगे आगे। हाँ खड़ा हो गए जी। तो जैसा कि ये लोग बता रही हैं कि अभी के रेट में बहुत सारा उसमें फाइल है, 27-28 फाइल है जो कि रजिस्टर है, जो कि अपलोड नहीं हो पा रहा है, कुछ भी उसमें डिटेल नहीं सेव हो पा रहा है, किसी का मोबाइल खराब हो गया, अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो इस मैटर पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मोबाइल देखिए इसके पहले तो हम तो अभी बहुत कम दिन से हैं मोबाइल के लिए, तो बहुत पहले भी मिला ही होगा, रिचार्ज के लिए मिलता ही है, रिचार्ज मिलता है मैडम, खराब होता है उसके लिए पैसा नहीं। अरे मैं सरकार हम लोग से DBT करवाए, घर घर जाके हम लोग आधार नंबर और खाता नंबर सब उपलब्ध करवाए, हुआ कि DBT कीजिए सरकार, जो है लाभार्थी के खाते पर पैसा दिया जाएगा, और हम लोग जो है किसी तरह अपना जान को खतरे में डाल के DBT किए। उसके बाद फिर सरकार जो अभी कह रही है कि DBT नहीं OTP, जब सरकार से DBT नहीं हुआ तो हम लोग से OTP कैसे होगा? और सरकार हम लोग को जो है मोबाइल कार्बन सेट दिया गया है, मात्र 3500 का वह मोबाइल है, काम नहीं कर रहा है, 15 दिन में 10 दिन में वह मोबाइल खराब हो जाता है, हम लोग को घर से पैसा लगता है 1500-1200 के लगभग लग ही जाता है, और हम लोग को सरकार मानदेय जो बहुत कम दे रही है, सबको पता ही है कि कितना सरकार हम लोग को मानदेय दे रही है, 3000 में सरकार हम लोग से काम करवा रही है, हम अपना घर चलाएंगे वह 3000 से कि मोबाइल ठीक करवाएंगे? और OTP वाला है, बहुत कारण है इसमें, OTP वाला में लाभार्थी के मोबाइल में जब मैसेज जाता है वह लाभार्थी कहती है कि हम OTP नहीं देंगे क्योंकि हमारे खाते से पैसा आप निकाल लीजिएगा सारा पैसा, आधार नंबर हम नहीं देंगे, लाभार्थी देने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग को बहुत परेशानी से हम लोग को सामना करना पड़ रहा है, हम लोग क्या करेंगे? किसी का होता है कि लाभार्थी का मोबाइल जो है ननद का दे दिया है नंबर, किसी को लाभार्थी का है कि हमारा हस्बैंड का दे दिया, हूँ पंजाब दिल्ली में, हम लोग क्या करेंगे? मुख्य मांग क्या है आपका? हम लोग का मेन है मुद्दा कि हम लोग को सरकार मोबाइल दे, मोबाइल दे, नया मोबाइल दे और अच्छा मोबाइल दे, नया मोबाइल देने के बाद उसके बाद फुल प्रशिक्षण हम लोग को दिया जाए, दोबारा से जी फुल प्रशिक्षण दिया जाए, और फुल प्रशिक्षण के बाद उसके बाद तब हम लोग पैसा निकासी करेंगे, निकासी करके तब जाके OTP प्रयास करेंगे। यानी कि आप अभी OTP वाला जो ये मैटर है उसमें आप अभी सहमत नहीं है काम करने? सबका लगभग मोबाइल खराब ही है, पेंशन हो गया, मोबाइल का कार्बन का है, 3G का मोबाइल है, 4G का सिम दिया, काम नहीं कर रहा है, क्या करता है? क्या OTP का अपलोड करने के लिए तैयार है? OTP का अपलोड क्या समर्थन कर रहे हैं? काम कीजिएगा। क्या नाम है आपका? नहीं आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पार्वती कुमारी है। किस पद पे हैं आप? आंगनवाड़ी सेविका और अपने प्रखंड का हम अध्यक्ष भी हैं। प्रखंड अध्यक्ष हैं। नवगछिया, मोटरसाइकिल और टोटो के टक्कर में 4 लोग घायल, 2 मायागंज रेफर। नवगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 स्थित तेतरी गुदरिया स्थान के पास दोपहर नवगछिया 0 माइल की तरफ से आ रहे टेम्पो और नवगछिया की तरफ से जा रहे मोटरसाइकिल में भीषण दुर्घटना हो गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। घायलों में बीपुर निवासी रमन मंडल की पत्नी निशा देवी, पूर्णिया जिले के सरसी थाना क्षेत्र के लाल मोहन सिंह के पुत्र रंजन कुमार सिंह, स्वर्गीय भागवत सिंह के पुत्र SSB जवान पूजन सिंह के अलावा एक अज्ञात वृद्ध भी घायल हो गए। वहीं डॉक्टर ने सभी का प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया।
खरीक में स्थापित भगवान कार्तिक की प्रतिमा का विसर्जन। खरीक बाजार स्थित कार्तिक मंदिर में स्थापित प्रतिमा का विसर्जन बुधवार की देर रात उस्मानपुर स्थित कलवलिया धार में किया गया। विसर्जन जुलूस में सोशल डिस्टेंसिंग और भक्तों की संख्या का खास ध्यान रखा गया। विसर्जन के साथ ही 3 दिवसीय कार्तिक पूजन उत्सव सम्पन्न हो गया। कार्तिक पूजा के अवसर पर किए गए विभिन्न आयोजनों में परशुराम कुमार, सौरभ सुमन, सोनू कुमार, रवि कुमार, अंकित कुमार सहित समस्त ग्रामीणों की भागीदारी रही। नवगछिया, कोसी नदी पर पीपा पुल जोड़ा गया। पुल जुड़ने के बाद भी लोगों को नाव की जरूरत, इस बार स्वच्छा के पास प्रवाहित हो गई है कोसी की उपधारा। कोसी नदी पर स्वच्छा गांव के पास कोसी नदी पर पीपा पुल को जोड़ दिया गया है। पुल जुड़ने के बाद भी इस बार रामनगर, बिंटोरी, स्वच्छा और आसपास के तटवर्ती इलाके के लोगों को पहले जैसी खुशी नहीं है। इसका कारण है कि इस बार स्वच्छा गांव के समीप कोसी नदी की एक उपधारा प्रवाहित हो गई है। इस कारण अब लोगों को उस पार जाने के लिए 2 नदियों को पार करना होगा। मुख्य नदी पर तो पीपा पुल बांध दिया गया है, लेकिन उपधारा पर पुल बनाने के लिए पीपा समाप्त हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 3000 लोगों की दिनचर्या कोसी के उस पार से जुड़ी हुई है। लोग डेंगी नाव के सहारे उस पार से इस पार जाते आते हैं, जो बेहद खतरनाक है। नवगछिया, किसान बिल के विरोध में भाकपा माले ने फूंका पीएम का पुतला। विपक्षी दलों के राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस पर किसान बिल के विरोध में भाकपा माले व कांग्रेस के बैनर तले स्टेशन चौक नौगछिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। वहीं मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा संविधान व लोकतंत्र की हत्या कर बनाए गए 3 किसान विरोधी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर दिल्ली पहुंच रहे किसानों पर बर्बर दमन के खिलाफ पूरे देश में विरोध दिवस का आयोजन किया गया है। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि तीनों कृषि बिल कृषक विरोधी है। वहीं मौके पर भाकपा माले के प्रखंड कमेटी सदस्य रवि मिश्रा, वकील मंडल आशुतोष कुमार यादव, कांग्रेस के नेता राजीव कुमार चौधरी सहित कई अन्य उपस्थित थे। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नौगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नौगछिया। नवगछिया चैती दुर्गा स्थान के पास दिन दहाड़े गोलीबारी, पुलिस ने की मामले की छानबीन। नवगछिया के चैती दुर्गा स्थान के पास मुख्य सड़क पर एक मिठाई की दुकान के सामने दोपहर लगभग 12:30 बजे फायरिंग किए जाने के बाद दुकानदार के साथ साथ आम लोग भी दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची नवगछिया पुलिस की टीम ने मामले की छानबीन की है, तो पुलिस के आने से पहले ही फायरिंग करने वाला अपराधी भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने मौके से ही खोखा को बरामद किया है। जानकारी मिली है कि मोबाइल चोरी होने के बाद हुए विवाद के कारण आरोपी पक्ष द्वारा फायरिंग की गई। घटना के बाबत नौगछिया के धर्मशाला रोड वार्ड नंबर 14 के निवासी गोविंद शर्मा ने लिखित आवेदन देकर मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज कराई है। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया के थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने कहा कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नवगछिया, GRF की परीक्षा में मारी बाजी। गोपालपुर प्रखंड के रतनगंज सुखटिया बाजार निवासी छेदी प्रसाद सिंह और रेखा देवी के पुत्र प्रवीण कुमार सिंह ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप GRF की परीक्षा में अपने दूसरे प्रयास में 93.65% अंक लाकर बाजी मार ली है। प्रवीण की सफलता पर गांव के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। प्रवीण ने कहा कि वे बचपन से ही पठन पाठन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने ग्रीन ग्लोबल कोचिंग की भी स्थापना की है। वे अधिकांश बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। गली नाली योजना में शिथिलता बरतने पर इस्माइलपुर BDO सख्त, 2 सप्ताह में कार्य को पूरा करने का निर्देश।
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय के तहत इस्माइलपुर प्रखंड के 23 वार्डों में राशि की निकासी कई वर्ष पूर्व करने के बावजूद अब तक कार्य को पूरा नहीं करने वाले वार्ड विकास क्रियान्वयन समिति पर वीडियो अनिल कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। बुधवार को उन्होंने अपने कार्यालय में वार्ड विकास क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष व सचिव, तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, लेखापाल व अन्य कर्मियों के साथ समीक्षा करने के बाद कहा कि वे 2 सप्ताह के अंदर गली नाली के लंबित कार्यों को पूरा करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुरली सब्जी व्यवसायी लूट कांड, दबोचे गए 2 अपराधी में से एक को भेजा गया जेल तो दूसरे का चल रहा इलाज। तेतरी में ग्रामीणों द्वारा दबोचे गए 2 अपराधियों में से एक अपराधी मधेपुरा के पुरैनी थाना क्षेत्र रसूल टोरा चंदा निवासी फतेह आलम को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे अपराधी भागलपुर के इसाचक निवासी मोहम्मद हेरू का इलाज पुलिस अभिरक्षा में भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इलाजरत होने के कारण न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सका। हालांकि देर रात हेमू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, उसे नौगछिया थाने में रखा गया है। गुरुवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। देर रात करिया वरीय पुलिस पदाधिकारी ने मोहम्मद हेरू से सघन पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में हेरू ने कई राज का खुलासा पुलिस के समक्ष किया है। मालूम हो कि मामले में नौगछिया थाना और रंगरा थाने में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें दोनों आरोपियों को नामजद किया गया है। नारायणपुर, कोरोना काल से ही मध्य विद्यालय तेलडीहा है बंद, शिक्षक है अनुपस्थित। नारायणपुर प्रखंड के रायपुर पंचायत के मध्य विद्यालय तेलडीहा कोरोना काल से आज तक बंद पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि मार्च से लगातार विद्यालय बंद है और शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना शिक्षा विभाग से किया है। मामले की जानकारी मिलने पर शिक्षा विभाग के वरीय बीआरपी मिथिलेश कुमार ने कहा कि सरकार का सख्त निर्देश है कि विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति नियमित रहेगी, यदि शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं तो मामले की जाँच होगी। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67170। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारे सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें, साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313।